फ्रेंड्स वेलकम टू फार्मेसी स्टडी। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था विटिंग रिएक्शन कैसे होती है, क्या क्या उसमें रिएजेंट्स होते हैं, क्या उसमें प्रोडक्ट बनता है, ये सारी डिटेल जो है हमने पिछले वीडियो में देखी थी। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसके लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो पहली ब्लू कलर की लिंक है वहाँ पर आप टच करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये वीडियो भी समझ आएगी। जो वीटिंग रिएक्शन है वो बिल्कुल इजी है समझने के लिए, तो आप जो है आपके मतलब है फ्री मार्क्स है, आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। तो चलिए आज हम बात करेंगे वीटिंग रिएक्शन के मैकेनिज्म की, पर उससे पहले सिंपल जो है आपको यहाँ पर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि वीटिंग रिएक्शन क्या थी। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अल्किल हैलाइड एंड एल्डिहाइड रिएक्ट इन प्रेजेंस विद ट्राइफिनिल फॉस्फिन टू फॉर्म ओलिफिन, ये थी वीटिंग रिएक्शन एंड ऑल्सो बेसिस प्रेजेंट। तो ये हो गई हमारी वीटिंग रिएक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, कैसे ये होती है। अब हमें ये तो पता है क्योंकि हमने रिएक्शन देखी थी कि जो प्रोडक्ट है वो बनने वाला है यहाँ पर ओलेफिन। तो अब ये मैकेनिज्म होगा क्या, ओलेफिन बनाने के लिए जो कुछ अंदर होगा इस ऊपर दी गई रिएक्शन में वो होगा हमारा मैकेनिज्म, यानी इनसाइडल केमिस्ट्री, जो कि इंटरेस्टिंग होता है। तो वही है रीअरेंजमेंट जो कि हमें स्टडी करनी होती है। तो वीटिंग रिएक्शन में जो है ओलिफिनेशन कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले जो है एक ट्राइफिनिल फॉस्फोनियम यील्ड बनती है। जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जो है PPH3 यानी ट्राइफिनिल फॉस्फोनियम प्रेजेंट है, तो इसकी जो है यहाँ पर यील्ड बनती है। तो ये हो गई रिएक्शन की पहली स्टेप कि सबसे पहले जो है ट्राइफिनिल फॉस्फोनियम यील्ड बनती है वो किन चीज़ों से बनेगी, तो वो बनेगी अल्किल हैलाइड और साथ ही साथ जो है ट्राइफिनिल फॉस्फोनियम से। तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं या फिर रिएक्ट होते हैं, ऐसा हम कहेंगे, टू फॉर्म ट्राइफिनिल फॉस्फोनियम यील्ड, यानी रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ PPH3 एंड इट फॉर्म ट्राइफिनिल फॉस्फोनियम यील्ड। अब ये जो फॉर्म हुई हुई यील्ड है इसे ही हम कहते हैं वीटिंग रिएजेंट, जिस यही जो मैकेनिज्म है अब वो हम स्टेप वाइज स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें समझने में भी आसान हो और जो है इजीली हम ये लिख पाए। तो जो पहली स्टेप यहाँ पर रिएक्शन में आती है वो है अटैक ऑफ PPH3 ऑन अल्किल हैलाइड। अब जो है हमारा ट्राइफिनिल फॉस्फिन वो हमारे अल्किल हैलाइड पर यहाँ पर जो है अटैक करता है, यानी ये जो ट्राइफिनिल फॉस्फिन है वो इस पर अटैक करेगा, यानी अल्किल हैलाइड पर। तो अब ये किस तरह से होगा ये हम देखेंगे, और ये अटैक होने की वजह से क्या होने वाला है कि जो हैलाइड का अनायन है यानी ये, तो ये यहाँ पर रिमूव होगा और जो है ये सारे कुछ जो अल्किल हैलाइड है वो कन्वर्ट होगा यहाँ पर फॉस्फोनियम आयन में, क्योंकि जो है फॉस्फिन जो है PPH3 ये इसे अटैच होगा और जो है यहाँ का अनायन रिमूव हो जाएगा, जिसके वजह से अल्किल हैलाइड जो है वो कन्वर्ट होगा फॉस्फोनियम आयन में। और वो फॉस्फोनियम आयन में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारा ये बेस है NaOH, तो इसका OH जो फॉस्फोनियम आयन का H है उसे यहाँ पर रिमूव करेगा या फिर डी प्रोटोनेट करेगा, यानी कि हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव करेगा जो कि है अल्फा पोजीशन पे, और इसी से जो है हमारी फॉस्फोनियम यील्ड फॉर्म होगी। तो अब आपको ये थोड़ा सुनने में मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो चलिए हम रिएक्शन फॉर्म में इसे देख लेते हैं, जिससे ये जो है बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा। तो देखिए ये रहा हमारा अल्किल हैलाइड जिस पर जो है ट्राइफिनिल फॉस्फिन अटैक कर रहा है, और इस अटैक की वजह से यहाँ से जो है इस ये अनायन यहाँ पर हैलाइड का जो अनायन है वो रिमूव हो रहा है और यहाँ पर एक एच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जो है एक मतलब कुछ निकल रहा है तो कुछ तो ऐड होगा, तो एक्स अगर निकल रहा है तो यहाँ पर एच ऐड हो रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट मतलब यही मैकेनिज्म में जो आगे होता है ये यहाँ पर अगर अटैक कर रहा है तो कोई तो काम होगा, मतलब ये इसे अटैच हो जाएगा, जो हमारा ट्राइफिनिल फॉस्फिन है वो यहाँ पर अटैच हो रहा है हमारे एल्डिहाइड को। तो अब ये दोनों को अटैच करके हमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना है वो हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे लिख लिया हमारा ट्राइफिनिल फॉस्फिन का स्ट्रक्चर, ये तीन फिनिल और ये है फॉस्फिन का मॉलिक्यूल, तो फॉस्फिन हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद जो हमारा हैलाइड है वो हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है, एल्डिहाइड जो है वो हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है, जो कि बिल्कुल कुछ इस तरह से है सिंपली। और ऊपर जो है ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऐड हुआ था वो हमें लिख देना है, तो इज़ दैट सिंपल, ये जो है इतना सिंपल है। उसके बाद हमने कहा था कि मतलब जो फॉस्फोनियम आयन बना हुआ है उस पर अटैक करने वाला है हमारा बेस, यानी कि OH,
तो अब जो बेस का OH है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इसे रिमूव कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो ये निकाल के जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमें नेक्स्ट लिखना है इसके आगे। तो देखिए हमने ये लिख दिया है, ये हो गई हमारी फॉस्फोनियम यील्ड। देखिए कितनी सिंपल है, बस ये जो है यहाँ से आपको हाइड्रोजन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेना है और सिंपली जो है जो बचता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, तो वो हो जाएगी हमारी फॉस्फोनियम यील्ड। तो इतने सिंपल ये रिएक्शन है, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। पर अब जो ये यील्ड बन रही है ये तीन फॉर्म में होती है, जो पहला है वह स्टेबिलाइज यील्ड, सेकंड है सेमी स्टेबिलाइज यील्ड और थर्ड वन है नॉन स्टेबिलाइज यील्ड। तो ये तीन फॉर्म की ये यील्ड होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। ये तो हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई, हमें लास्ट स्टेप में मतलब बनाना है ओलिफिन, तो अब आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए जो स्टेप टू है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, देखिए कितनी ये सिंपल है। तो सबसे पहले जो है मतलब हमने जो फॉस्फोनियम यील्ड बनाई है जो कि हम जिसे वेटिंग रिएजेंट भी कहते हैं, अब वही आगे रिएक्ट होगा। तो अब हमारी जो मेन रिएक्शन थी ये वाली, तो इसमें जो है अल्किल हैलाइड मतलब अब इसका तो काम हो गया, ये पहले रिएक्ट हो चुका है तो अब इसे हम भूल जाते हैं। अब बचा जो है वो है हमारा अल्किल हैलाइड। तो अब जो अल्किल हैलाइड है उससे हमारी फॉस्फोनियम यील्ड रिएक्ट होगी, यानी हमारी फॉस्फोनियम यील्ड इस पर अटैक करेगी। तो उस पर अटैक करने के बाद क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर फॉस्फोनियम यील्ड जो हमारी हमारी बनी हुई है उसका यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो चलिए हम वो कर लेते हैं। तो देखिए हमने जो है फॉस्फोनियम यील्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। जैसे कि हमने कहा फॉस्फोनियम यील्ड जो है अटैक करेगी अल्डिहाइड पर, तो चलिए अल्डिहाइड का भी जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कुछ इस तरह से था R2 R3, और जो है यहाँ पर आप डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड। तो ये जो है हमारी फॉस्फोनियम यील्ड ये अटैक करेगी अल्डिहाइड पर और अल्डिहाइड पर अटैक करके यहाँ पर ज्विटर आयन बनाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ज्विटर आयन मतलब क्या होता है, तो ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज अकेले पर ही हो उसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। तो अब ये इस पर अटैक कर रहा है, तो आप इस दोनों को कंबाइन करके एक न्यू स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो देखिए ये हो गया हमारा ज्विटर आयन। तो चलिए अब जो फाइनली हमें बनाना है ओलिफिन वो हम थर्ड स्टेप में फॉर्म करेंगे, तो देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है। और सेकंड स्टेप में जो एक बात रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, जो जैसे कि हमने कहा था कि ज्विटर आयन बनने के बाद जो ऑक्सीजन का अनायन है वो अटैक करेगा फॉस्फोनियम के कटायन पे, यानी ये जो अनायन है ये अटैक करेगा यहाँ पर फॉस्फोनियम के कटायन पे और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली आप बॉन्ड फॉर्म करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब जो थर्ड स्टेप है यहाँ पर मतलब जो हमने बनाया था हमारा ऑक्सीजन, तो देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है। और सेकंड स्टेप में जो एक बात रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, जो जैसे कि हमने कहा था कि ज्विटर आयन बनने के बाद जो ऑक्सीजन का अनायन है वो अटैक करेगा फॉस्फोनियम के कटायन पे, यानी ये जो अनायन है ये अटैक करेगा यहाँ पर फॉस्फोनियम के कटायन पे और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली आप बॉन्ड फॉर्म करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख लीजिए।